जय जिनेन्द्र, ओम अरहम। सर्वप्रथम आराध्य के इसी चरणों में कोटि सलाम। प्रारंभ करेंगे त्रिपदि वंदनासन। वंदनासन की मुद्रा में आ जाएं, दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जोड़ लें, मेरुदंड सीधा रहें। वंदे भावित करें। श्री संपन्नोऽहं स्याम्, रे संपन्नोऽहं स्याम्, धी संपन्नोऽहं स्याम्, धृति संपन्नोऽहं स्याम्, शक्ति संपन्नोऽहं स्याम्, शांति संपन्नोऽहं स्याम्, नन्दे संपन्नोऽहं स्याम्, तेज संपन्नोऽहं स्याम्, शुक्ल संपन्नोऽहं स्याम्। मैं आभा संपन्न बनूं, मैं लज्जा संपन्न बनूं, मैं बुद्धि संपन्न बनूं, मैं धैर्य संपन्न बनूं, मैं शक्ति संपन्न बनूं, मैं शांति संपन्न बनूं, मैं आनंद संपन्न बनूं, मैं तेज संपन्न बनूं, मैं पवित्रता संपन्न बनूं। ध्वनि प्रयोग। ओम की ध्वनि तीन बार, लंबा गहरा श्वास लें। ओ चोटी के स्थान पर केंद्रित करें, वहां पर होने वाले प्रकंपनों का अनुभव करें। नाक से भौंरे की गुंजन की तरह लयबद्ध आवाज, तीन बार लंबा गहरा श्वास भरें। mm-hmm.
उच्चारण करते वक्त चित्त को नाभि पर केंद्रित करें, दो सेकंड में अ का उच्चारण करें, रह का उच्चारण करते वक्त चित्त को आनंद केंद्र दोनों फुफ्फुसों के मध्य गड्ढे के स्थान पर केंद्रित करें, चार सेकंड में रह का उच्चारण करें और म का उच्चारण करते वक्त चित्त को विशुद्धि केंद्र कंठ के मध्य भाग से होते हुए ज्ञान केंद्र चोटी के स्थान तक पहुंचाएं और छह सेकंड में म का उच्चारण करें, अंतिम नाद दो सेकंड सुने, लंबा गहरा श्वास लें। हाथों की उंगलियों को आपस में लॉक कर दे, श्वास भरते हुए आ
पूरा तनाव लें। श्वास छोड़ते हुए राइट साइड डाउन, कोहनी गर्दन के पीछे जाए, लेफ्ट राइट गर्दन को पीछे धक्का दे, हाथों को आगे, श्वास भरे छोड़े, भरे छोड़े, भरे छोड़े। राइट हैंड राइट गाल पर, एंटी प्रेशर, श्वास भरे छोड़े, भरे छोड़े, भरे छोड़े। लेफ्ट हैंड लेफ्ट गाल पर, एंटी प्रेशर, श्वास भरे छोड़े, भरे छोड़े, भरे छोड़े। दोनों हाथ समन्वय मुद्रा, हाथों को गोलाकार आगे से पीछे कोहनी मिलाते हुए घुमाएं, श्वास भरे छोड़े, पीछे से आगे छोड़े, पूरा श्वास भरे। श्वास छोड़ते हुए कोहनी मिला दें, भरे छोड़े, भरे छोड़े, भरे छोड़े, भरे छोड़े, भरे छोड़े। राइट हैंड की कोहनी को लेफ्ट हाथ की हथेली से ऊपर धक्का दें, पूरा खिंचाव छोड़े, लेफ्ट खींचे ऊपर छोड़े, कमर के लिए लेफ्ट राइट रिलैक्स। आज हम करेंगे मेरुदंड की क्रियाएं स्पाइनल कोड के लिए, रीढ़ की हड्डी के लिए। रीढ़ की हड्डी हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, अगर ये स्वस्थ नहीं होगी तो व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं रह सकता। इसलिए इसको मजबूत बनाने के लिए, लचकदार बनाने के लिए, फ्लेक्सिबल बनाने के लिए रीढ़ की हड्डी की क्रियाएं हम कुछ करेंगे। अपने स्थान पर आप लेट जाएं, दोनों हाथ कंधे के समानांतर फैला दें या इस स्थिति में रख सकते हैं। दोनों पैरों के बीच, इसकी पहली क्रिया, दोनों पैरों के बीच इतना फासला करें कि राइट पैर का अंगूठा लेफ्ट पैर की एडी को स्पर्श हो जाए, तो इतना गैप कर लें आप, इतना गैप प्रारंभ करें। राइट का अंगूठा लेफ्ट की एडी को लगाएं, गर्दन राइट साइड, सीधा लेफ्ट का अंगूठा राइट की एडी को सांस भरते हुए लगाएं, गर्दन लेफ्ट श्वास छोड़ते हुए सीधा, श्वास भरते हुए राइट का अंगूठा लेफ्ट की एडी को लगाएं, गर्दन राइट साइड, श्वास छोड़ते हुए सीधा, श्वास भरते हुए लेफ्ट का अंगूठा राइट की एडी को लगाएं, गर्दन लेफ्ट,
श्वास छोड़ते हुए सीधा, श्वास बढ़ते हुए राइट का मूछा लेफ्ट की एड़ी को लगाए, गर्दन राइट, श्वास छोड़ते हुए सीधा, श्वास बढ़ते हुए लेफ्ट का मूछा राइट की एड़ी को लगाए, गर्दन लेफ्ट, श्वास छोड़ते हुए सीधा। दूसरी क्रिया, लेफ्ट पैर नीचे, राइट पैर की एड़ी लेफ्ट पैर के अंगूठे और अंगुली के बीच ऊपर लगा दे, श्वास बढ़ते हुए पैर को लेफ्ट साइड में डाउन करें, गर्दन राइट साइड, अंगूठा जमीन पर लगाने की कोशिश, कमर में रीढ़ की हड्डी में आने वाले तनाव का अनुभव, खिंचाव का अनुभव, श्वास छोड़ते हुए सीधा। पैर बदली करें, राइट साइड डाउन, गर्दन लेफ्ट, श्वास छोड़ते हुए सीधा। पैर बदली, लेफ्ट साइड डाउन, श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए सीधा। पैर बदली, श्वास बढ़ते हुए राइट साइड डाउन, गर्दन लेफ्ट, श्वास बढ़ते हुए सीधा। पैर बदली, श्वास बढ़ते हुए लेफ्ट साइड डाउन, गर्दन राइट, श्वास छोड़ते हुए सीधा। पैर बदली, श्वास बढ़ते हुए राइट साइड डाउन, गर्दन लेफ्ट, श्वास छोड़ते हुए सीधा। पैर बदली, लेफ्ट साइड डाउन, गर्दन राइट, श्वास छोड़ते हुए सीधा। रिलैक्स। नेक्स्ट तीसरी क्रिया, लेफ्ट पैर नीचे, राइट पैर ऊपर, टखने पर सीधा सीधा रखें, दोनों प्रेस पैर क्रॉस करें, दोनों पैर एक साथ, लेफ्ट साइड डाउन, गर्दन राइट, श्वास छोड़ते हुए सीधा। राइट साइड डाउन, गर्दन लेफ्ट, श्वास छोड़ते हुए सीधा। पैर बदली, अब राइट साइड डाउन, गर्दन लेफ्ट, श्वास छोड़ते हुए सीधा। लेफ्ट साइड डाउन, गर्दन राइट, श्वास छोड़ते हुए सीधा। पैर बदली, श्वास बढ़ते हुए लेफ्ट साइड डाउन, गर्दन राइट, श्वास छोड़ते हुए सीधा। पैर बदली, राइट साइड डाउन, गर्दन लेफ्ट, श्वास छोड़ते हुए सीधा। चौथी क्रिया, लेफ्ट पैर सीधा रखें, राइट पैर को फोल्ड करें, राइट पैर का पंजा लेफ्ट घुटने के पास में स्थापित करें, श्वास बढ़ते हुए घुटने को लेफ्ट साइड में डाउन करें, गर्दन राइट, घुटना जमीन पर लगाने की कोशिश, श्वास छोड़ते हुए सीधा। पैर बदली, श्वास भरते हुए राइट साइड डाउन, गर्दन लेफ्ट, श्वास छोड़ते हुए सीधा। पैर बदली, लेफ्ट साइड डाउन, गर्दन राइट, श्वास छोड़ते हुए सीधा।
पैर बदली, राइट साइड डाउन, गर्दन लेफ्ट, सांस छोड़ते सीधा, रिलैक्स, दोनों पैर फोल्ड कर ले। पांचवी क्रिया, दोनों पैरों के बीच इतना फासला करें कि राइट का घुटना लेफ्ट की एडी को स्पर्श हो जाए। राइट का घुटना लेफ्ट की एडी को लगाएं, गर्दन राइट साइड, सांस छोड़ते हुए सीधा, सांस भरते हुए लेफ्ट घुटना राइट एडी को लगाएं, गर्दन लेफ्ट, सांस छोड़ते हुए सीधा, सांस भरते हुए राइट घुटना लेफ्ट एडी को लगाएं, गर्दन राइट, सांस छोड़ते हुए सीधा, सांस भरते हुए लेफ्ट घुटना राइट एडी को लगाएं, गर्दन लेफ्ट, सांस छोड़ते हुए सीधा, सांस भरते हुए राइट घुटना लेफ्ट एडी को लगाएं, गर्दन राइट, सांस छोड़ते हुए सीधा, सांस भरते हुए लेफ्ट घुटना राइट एडी को लगाएं, गर्दन लेफ्ट, सांस छोड़ते हुए सीधा, रिलैक्स। अगली क्रिया, छठी क्रिया, दोनों पैरों को मिला लें, दोनों एरिया नितंब के पास जितना नजदीक ले सके नजदीक लें, दोनों पैर एक साथ लेफ्ट साइड डाउन, सांस भरते हुए घुटने पर घुटना, पंजे पर पंजा बना रहे हैं, गर्दन राइट साइड, सांस छोड़ते हुए सीधा, सांस भरते हुए राइट साइड डाउन, गर्दन लेफ्ट, सांस छोड़ते हुए सीधा, सांस भरते हुए लेफ्ट साइड डाउन, गर्दन राइट, सांस छोड़ते हुए सीधा, सांस भरते हुए राइट साइड डाउन, गर्दन लेफ्ट, सांस छोड़ते हुए सीधा, सांस भरते हुए लेफ्ट साइड डाउन, गर्दन राइट, सांस छोड़ते हुए सीधा, सांस भरते हुए राइट साइड डाउन, गर्दन लेफ्ट, सांस छोड़ते हुए सीधा, रिलैक्स। दोनों पैर एक बार खोल लें। सातवीं क्रिया, अब एड़ियों पर और कंधों पर जोर देते हुए बीच के भाग को ऊपर उठाएं और जमीन पर पटके, एड़ी पर जोर और कंधों पर जोर, रिलैक्स। इसी का दूसरा भाग, अब एड़ियों पर जोर और सिर के पीछे के भाग पर जोर देते हुए बीच के भाग को उठाने की कोशिश करें, रिलैक्स। आठवीं क्रिया, दोनों हाथ जोड़कर पीछे की ओर लें, रीढ़ की हड्डी को मसाज देना है, शरीर को बेलन की तरह गोल गोल घुमाना है, एक बार लेफ्ट साइड, एक बार राइट साइड, एक एक बार करके पांच बार घुमाना है, राइट, सीधा, लेफ्ट, सीधा, राइट, सीधा, लेफ्ट, सीधा, राइट, सीधा, लेफ्ट, सीधा, राइट, सीधा, लेफ्ट, सीधा, राइट, सीधा,
लेफ्ट सीधा रिलैक्स, शरीर को ढीला छोड़ दें, कायोस्थल की मुद्रा में आ जाएं, दोनों पैरों के बीच एक से डेढ़ फुट का फासला, हथेलियों का रुख छत की ओर, आंखें कोमलता से बंद, सांस मन शरीर शिथिल शिथिल शिथिल। अनुभव करें रीढ़ की हड्डी संबंधी सारे विकार दूर हो गए हैं, कमर दर्द पीठ दर्द राहत मिली है। जीवन का आधार होता है रीढ़, जब तक रीढ़ की हड्डी स्वस्थ नहीं होगी व्यक्ति स्वस्थ नहीं रह सकता। ये छोटी छोटी क्रियाएं रीढ़ की हड्डी को स्वस्थता प्रदान करती है, लचीला बनाती है। दो तीन लंबे गहरे सांस लें, अब दो तीन आसन हम मेरुदंड के लिए और करेंगे, पीठ के बल वाले में दोनों हाथ पीछे की ओर ले जाएं, दोनों हाथ दोनों पैर और सिर एक साथ हृदय स्तंभासन। अब डाउन, सांस भरते हुए अप, डाउन, रिलैक्स, दोनों हाथ गर्दन के नीचे, सर्वाइकल पेन वाले से न करें, सांस छोड़ते हुए गर्दन ऊपर उठाएं, ठुड्डी को कंठ से लगा दें, पैर के अंगूठों की तरफ देखें, सांस बढ़ते हुए डाउन, सांस छोड़ते हुए अप, सांस बढ़ते हुए डाउन, सांस छोड़ते हुए अप, डाउन, रिलैक्स। पादांगुष्ठ नासास प्रशासन, लेफ्ट पैर को फोल्ड करें, लेफ्ट पैर के पंजे को पकड़ लें, सांस भरें और सांस छोड़ते हुए नाक को अंगूठे से लगाने की कोशिश, सांस बढ़ते हुए गर्दन नीचे, सांस छोड़ते हुए पैर सीधा, रिलैक्स, तैयार। राइट पैर फोल्ड करें, राइट के पंजे को पकड़ लें, सांस भरें, सांस छोड़ते हुए नाक को अंगूठे से लगाने, सांस बढ़ते हुए गर्दन नीचे, सांस छोड़ते हुए पैर सीधा, रिलैक्स। सेतु बंदासन, दोनों पैर फोल्ड कर लें, दोनों पैरों के टखनों को पकड़ लें और जितना नजदीक ले जा सके नजदीक लाएं, सांस भरते हुए एड़ी और कंधों के बीच के भाग को पूरा ऊपर उठाएं, अप, जितना ऊपर खींच सके खींचे, सांस छोड़ते हुए स्लोली डाउन। पुनः एक बार सांस बढ़ते हुए अप, छोड़ते हुए डाउन, रिलैक्स, शरीर को ढीला छोड़ें।
धीरे धीरे लेफ्ट करवट बदलते हुए पेट के बल लेट जाए। भुजंगासन, दोनों हाथ कंधे के समानांतर एक एक फुट की दूरी पर ललाट जमीन से स्पर्श। यह आसन भी रीढ़ की हड्डी में लचक पैदा करता है, फ्लेक्सिबल बनाता है, साथ ही साथ फेफड़ों को भी मजबूत करता है, भुजाओं में बल देता है। श्वास बढ़ते हुए केवल गर्दन, गर्दन को इसी स्थिति में रखते हुए मुंह से पुकारते हुए सांस छोड़ें। श्वास बढ़ते हुए सीने का पूरा भाग, दृष्टि सामने रहे। सांस छोड़ते हुए डाउन, पुनः एक बार श्वास बढ़ते हुए डाउन। दोनों हाथ करीब लें, 6-6 इंच की दूरी पर। श्वास बढ़ते हुए केवल गर्दन, मुंह से काटते हुए श्वास छोड़ें। श्वास बढ़ते हुए नाभि तक का भाग, दृष्टि सामने। श्वास छोड़ते हुए डाउन, पुनः एक बार श्वास बढ़ते हुए डाउन। अब तीसरी स्टेज भुजंगासन की, इसमें कोहनियों को पूरा ऊपर नहीं उठाना है, कोहनियों को बेंड रखते हुए सांस बढ़ते हुए केवल गर्दन, मुंह से काटते हुए सांस छोड़ें। सांस बढ़ते हुए नाभि तक का भाग, दृष्टि छत की हो, कोहनियां बेंड रखें, डाउन। पुनः एक बार श्वास बढ़ते हुए डाउन। रिलैक्स, बालासन में आ जाए, मंद श्वास। मकरासन, इस डंटी आकृति बना रहे, दोनों हथेलियां मिली हुई, उसके ऊपर छुट्टी को स्थापित कर रहे हैं, दृष्टि सामने। कुछ सेकंड रुके, शरीर में कहां कहां तनाव आ रहा है, खींचाव आ रहा है, उसका अनुभव करें। गर्दन का भाग, पसलियों का भाग, कमर का भाग, धीरे धीरे बैठने की मुद्रा में आ जाए। भुजंगासन, श्वास बढ़ते हुए श्वास छोड़ते हुए शशांकासन, ललाट जमीन से स्पर्श, पूरे शरीर में तनाव दें। श्वास बढ़ते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। मेरुदंड के लिए ही उष्ट्रासन, दोनों हथेलियां पंजों पर लगा दें, और जो पंजों पर लगाकर नहीं कर सके वो फिर पंजों को खड़ा करें और एड़ियों पर इस ढंग से लगाएं। जो पंजों पर कर सकते हैं वो पंजों पर करने की कोशिश करें, दोनों हथेलियां पंजों पर, और पंजों पर दबाव देते हुए पूरे शरीर के भाग को ऊपर उठा लें। गर्दन को पीछे लटकाएं, हर्निया की तकलीफ वाले से ना करें, हाई बीपी वाले भी ना करें,
स्लोली डाउन, थोड़ा सा आगे झुकें, रिलैक्स, घुटनों के बल बैठ जाएं। अर्ध चंद्रासन, दोनों हाथों की मुद्रा इस ढंग से बनाएं और धीरे धीरे सांस भरते हुए पीछे की ओर हल्का सा झुका दें। सांस छोड़ते हुए सीधा, पुनः एक बार सांस भरते हुए पीछे की ओर डाउन अप, रिलैक्स। एक आसन आज और हम करेंगे, विशिष्ट आसन है तो सभी को नहीं करना है, इसका अभ्यास किए बिना नहीं करना है, योग्य निर्देशन में इसको करें, पहले सीखें उसके बाद उसका अभ्यास करें। और अभ्यास करने के पहले भी सामने बिस्तर तकिया वगैरह कुछ लगा के रखें, नहीं तो अगर बैलेंस बिगड़ गया तो यहाँ से टक्कर लग सकती है, इसलिए इसको बड़ी सावधानी पूर्वक करें। दोनों हाथों को इस ढंग से लगाएं, स्थापित कर लें। अब कोहनियों को हल्का सा बेंड करते हुए दोनों घुटने कोहनियों पर लगा दें और धीरे से बैलेंस बनाते हुए आगे की ओर झुकें और धीरे से नीचे। इस ढंग से फिर अभ्यास बढ़ाते बढ़ाते इसको हम आगे कर सकते हैं। आराम से बैठ जाए, प्राणायाम। किसी भी सुखद आसन में बैठें जिसमें आप सुविधापूर्वक बैठ सकें। अभी पद्मासन में बैठा हूं, आप चाहे तो पालथी लगाकर बैठे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा, तर्जनी उंगली और अंगूठा मिला हुआ, शेष उंगलियां सीधी रहे, घुटनों पर स्थापित कर दें। आंखें कोमलता से बंद, पूरक रेचक कुंभक की क्रिया। पूरक का तात्पर्य पूरा श्वास भीतर भरना, रेचक का तात्पर्य पूरा श्वास रेचन कर देना, खाली कर देना। और कुछ नहीं बोलूं, वहां कुंभक करें अर्थात सांस को रोकें। हाई बीपी हार्ट की प्रॉब्लम वाले सांस रोकने का अभ्यास न करें। बाकी भी जिनको बेचैनी होती हो तुरंत सांस छोड़ें, जबरदस्ती सांस को न रोकें। पूरा रेचर, पूरा रेचर, पूरा रेचर, पूरा रेचर, पूरा रेचर, रिलैक्स, नॉर्मल ब्रीदिंग, सामान्य श्वास प्रश्वास। कपालभाति, श्वास को तेजी के साथ छोड़ें, प्रयत्न पूर्वक छोड़ें। जैसे ही श्वास छोड़ें नाभि पर चोट हो, पेट भीतर की ओर पिचकें। श्वास लेने में कोई प्रयत्न नहीं, स्वाभाविक रूप से श्वास लें। हाई बीपी हार्ट की प्रॉब्लम वाले अथवा पेट का कोई अभी अभी ऑपरेशन करवाया हो तो सामान्य गति से करें, बाकी मध्यम गति से। थकान आ जाए, चक्कर आने लगे, पेट में खिंचाव होने लगे, तुरंत रुक जाए, जबरदस्ती न करें, सहजता के साथ पूरे मनोयोग पूर्वक करें कपालभाति।
रिलैक्स, मंद श्वास, धीमे धीमे श्वास लें, धीमे धीमे श्वास पर छोड़ें और इसका अभ्यास धीरे धीरे बढ़ाते जाएं, 50 से फिर 70, 80, फिर 100 तक, फिर आगे बढ़ते बढ़ते 150 तक, एक साथ में आप इसको करें और धीरे धीरे अभ्यास बढ़े। जहां पेट में खिंचाव आने लगे तो तुरंत छोड़ दें। पुनः शरीर तैयार, संकल्प को साथ में जोड़ें। जिस प्रकार का भी रोग, विकार, दोष शरीर के भीतर में है, हर झटके के साथ बाहर निकल रहा है, इसी प्रबल संकल्प के साथ पुनः अपनी सामर्थ्यानुसार करें कपाल बांधें। रिलैक्स, मंद श्वास, मस्तिष्क में होने वाले प्रकंपनों का अनुभव, झनझनाहट का अनुभव, भीतर खालीपन का भाव, निर्विचार भाव, विचार जैसे खो गए हैं, तिरोहित हो गए हैं। चंद्रभेदी प्राणायाम, लेफ्ट हैंड ज्ञान मुद्रा, राइट की तर्जनी अंगुली दोनों प्रकृतियों के बीच, राइट नॉस्ट्रल पर अंगूठा, लेफ्ट पर मिडल फिंगर, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, लेफ्ट से धीमे धीमे श्वास भीतर भरें, राइट से छोड़ें, लेफ्ट से लें, 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 राइट से छोड़ें, लेफ्ट से लें और राइट से छोड़ें। रिलैक्स। ये प्राणायाम हाई बीपी वालों के लिए बहुत ही फायदेमंद प्राणायाम है, क्योंकि शरीर के भीतर शीतलता प्रदान करता है। जिसको बहुत क्रोध आता है, उग्र स्वभाव है, उसके लिए भी ये बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। और जिनको अस्थमा की तकलीफ है, कफ प्रकृति वाले हैं, उनको ये बहुत ही सीमित मात्रा में करना चाहिए। सूर्य वेदी प्राणायाम, लेफ्ट हैंड ज्ञान मुद्रा,
राइट की तर्जनी उंगली दोनों घुटनों के बीच, राइट नॉस्टल पर अंगूठा, लेफ्ट पर मिडल फिंगर, रीढ़ के डिस्सी, राइट से धीमे धीमे सांस भीतर भरें, लेफ्ट से छोड़ें, राइट से लें, 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 लेफ्ट से छोड़ें, राइट से लें और लेफ्ट से छोड़ें, रिलैक्स, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा। ये प्राणायाम लो बीपी वालों के लिए विशेष फायदेमंद है और शरीर में जिसको ताकत कम महसूस होती हो, आलस बहुत सताता हो, उनके लिए प्राणायाम विशेष फायदा करता है, क्योंकि शरीर के भीतर गर्मी पैदा करता है। भस्त्रिका प्राणायाम, दोनों नासापुटों से पूरा सांस भरें, पूरा खाली करें, सांस लेने पर भी जोर, सांस छोड़ने पर भी जोर, प्रारंभ करें। मंद श्वास फेफड़ों को पूरा एक्टिवेट करता है। जिसके फेफड़े कमजोर हो, वो उसके फेफड़े मजबूत बनेंगे। सूक्ष्म भस्त्रिका, तेजी से श्वास प्रश्वास, पेट का हलन चलन साथ साथ चले, पेट में खिंचाव आए तो तुरंत रुक जाए, प्रारंभ करें। रिलैक्स, मंद श्वास, धीमे धीमे श्वास लें, धीमे धीमे श्वास छोड़ें। अग्निसार, श्वास को पूरा बाहर निकालकर बाहर रोक लें और पेट को भीतर बार हिलाएं। हाई बीपी, हार्ट की प्रॉब्लम वाले श्वास को न रोकें, पूरा सांस बाहर, पेट को हिलाए। मंद श्वास, किसी भी सुखद आसन में आराम पूर्वक बैठे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा अथवा वीतराग मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, तीन बार महाप्राण ध्वनि, लंबा गहरा श्वास लें।
संपिखई आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें। कायोत्सव, शरीर को स्थिर एवं शिथिल करें। प्रतिमा की भांति निश्चल एवं अडोल रहे, कोई हलन चलन नहीं। पूरे शरीर को शिथिलता का सुझाव दें। पूरा शरीर शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। अनुभव करें, पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है। अनुभव करें, पूरा शरीर शिथिल हो गया है, शिथिल हो गया है, शिथिल हो गया है। ध्यान काल तक यही मुद्रा बनी रहे। समवर्ती श्वास प्रेक्षा, अनुलोम विलोम की तरह ही, अगर आप संकल्प से कर सकते हैं तो अंगुली का सहारा रहने की आवश्यकता नहीं। अगर संकल्प से नहीं कर सकते तो राइट की तरह अंगुली दोनों प्रकृतियों के बीच, राइट नोस्टल पर अंगूठा, लेफ्ट पर मिडल फिंगर, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। लेफ्ट से धीमे धीमे श्वास भीतर भरें। राइट से धीरे धीरे छोड़ें। राइट से लें। लेफ्ट से छोड़ें। लेफ्ट से लें। राइट से छोड़ें। राइट से लें। लेफ्ट से छोड़ें। लेफ्ट से लें। राइट से छोड़ें। इसी तरह जागरूकता से 2 मिनट तक करते रहें।
पूरी एकाग्रता केवल मात्र श्वास प्रश्वास की ध्यान में रहे। चित्त को ज्योति केंद्र ललाट के मध्य भाग पर केंद्रित कर लें, वहां पर पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान करें। श्वेत रंग का प्रकाश पुंज देखें, श्वेत रंग के परमाणु को पूरी ललाट पर फैला दें। पूरी ललाट श्वेत रंग के परमाणु से चमक रही है, अनुभव करें। श्वेत रंग के परमाणु पूरी ललाट के भीतर भर गए हैं, प्रवेश कर गए हैं। शांति और आनंद का अनुभव करें। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जोड़ लें। शरण सूत्र, अरहंते शरण पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवलीपणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। ओम अर्हम्। दोनों हथेलियां आंख पर लगा दें, हथेलियों की गर्माहट का अनुभव करें और धीरे धीरे आंखें जमीन की ओर खोलें, की ऊपर की ओर। पर निश्चित नमस्कार। ओम रें नमो अरहंतानं। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ओम रें नमो सिद्धानं। श्वास भरते हुए ऊपर मुद्रा बनाएं, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ओम रें नमो आयरयाणम। श्वास भरते हुए दोनों हाथ साइड में, श्वास छोड़ते हुए बीच में। ओम रें नमो वज्जायाणम। श्वास भरते हुए नेज दृष्टि से ऊपर देखें, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ओम रें नमो लोए सवसाऊणम। अंजलि मुद्रा, श्वास भरते हुए ऊपर उठाएं, साथ छोड़ते हुए अर्पण करते हैं। दोनों हाथ जोड़ें, अपने आप को भावित करें, सभी उच्चारित करें। मैं ज्ञानमय हूं, मैं चैतन्यमय हूं, मैं आनंदमय हूं, मैं शक्तिमय हूं। मेरे भीतर अनंत ज्ञान का, अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। का साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। ओम शांति शांति शांति। ओम अरहम 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 नमः। फ्रेश अपने भीतर हास्य प्रस्फुटित कर दें। Ha ha ha!
इसकी तर्क है चेत संयममय जीवन हो। जीवन आनंदमय हो, जीवन आनंदमय हो, करें स्वयं ही आत्मनिरीक्षण, अंतर सदा अभय हो। जीवन आनंदमय हो, प्रेक्षा ध्यान दिवस पर हमने प्रेक्षा ध्यान किया है, महाप्रज्ञ ने इस दुनिया को अनमोल रत्न दिया है। सजग रहेंगे वर्तमान में, हर क्षण प्रेक्षामय हो। जीवन आनंदमय हो, जीवन आनंदमय हो। भोर हुई तो ध्यान किया और किया है हमने योग, शुद्धिकरण क्रिया के द्वारा हम सब बने निरोग। आसन प्राणायाम ध्यान तीनों का समन्वय हो। जीवन आनंदमय हो, मंत्र प्रेक्षा और सांस प्रेक्षा का यो सर्ग भी किया है। अनुप्रेक्षा और लेशाओं को हमने जान लिया है, निश्चित ही होगा परिवर्तन, नहीं कोई संशय हो। जीवन आनंदमय हो, शरीर पेक्षा में हमने बंधन को है पहचाना, चैतन्य केंद्र पेक्षा से हमने केंद्रों को है जाना। मैं हूँ अपना भाग्य विधाता, जीवन साधनामय हो। जीवन आनंदमय हो, संयम से खाना है भोजन और संयम से रहना, मित भाषी बन कर हम सीखे एक दूजे को सहना। जगे ज्योति शांति की भीतर, जीवन ज्योतिर्मय हो। जीवन आनंदमय हो, जीवन आनंदमय हो। आज का दिन हम सब के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो, आनंददायक हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम अरहम कृतज्ञोस्मि। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं, कृतज्ञोस्मि। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं, कृतज्ञोस्मि। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। ओम।